ओके, कि यहाँ पे हमारे साथ एक गर्भवती महिला है, ठीक है। तो आप सोचिए ज़रा कि इनके साथ क्या, इनको कैसा फील होता होगा, इन पे क्या गुजरती होगी। चाची आप कहाँ से आई हैं? चवनिया शंकरपुर से। आपका घर कौन सा है, आपका घर कहाँ है? हम लोग का घर शंकरपुर पंचायत है, नाथनगर प्रखंड है, और हम सब वहाँ नाथ शंकरपुर पंचायत से आए हैं, और मंगलवार को। आपका घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, क्षतिग्रस्त, जैसे कि उधर से पानी आया, बाढ़ में बह गया। तो आप लोग यहाँ पे अब शरण लिए हुए हैं? हाँ, यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। ना तो हम लोगों को प्लास्टिक का कोई व्यवस्था है, सरकारी हर व्यवस्था जो रहता है उससे हम सब वंचित हैं। तो आप लोग जब वहाँ थी तो आप लोग को कोई भी अधिकारी आप लोग को देखने के लिए नहीं आए? नहीं, वहाँ तो नहीं गया था, वहाँ नहीं गए। जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग निचला वर्ग में रहते हैं, जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी रहता है, हम लोग वहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया था। शंकरपुर पंचायत में गया हुआ था, तो दारापुर इधर है, बुरानाथ के सटले, वहाँ पर गया था सीओ साहिबा, और वहाँ जब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ नहीं गई थी। तो आप लोग जब यहाँ आई तो क्या आप लोग को यहाँ पे कुछ सुविधा दी जा रही है? नहीं, यहाँ पर हम लोग शंकरपुर पंचायत के हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टिक वगैरह आप लोग खुद लेकर के आई होंगी? जी हाँ, हम यहाँ आए तो खरीद करके लाए, नहीं तो पहले ऐसे रह रहे थे, तो खरीद कर लाए मार्केट से, तो हम लोग उसके। आप लोग का गुजारा कैसे हो रहा है एक प्लास्टिक के बिना? अगर बरसात हो जाती है तो आप लोग कैसे रह रही हैं? तो उसी तरह जिस तरह भगवान रखे। तो यहाँ पर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। कोई भी राहत सामग्री नहीं दी जा रही? कोई भी नहीं। आइए चाची, और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। चाची आप कौन से गांव से आई हैं? शंकरपुर सोनिया दीरा से। कब आई? मंगलवार के दिन। आपका घर पूरी तरह से डूब गया? हाँ, डूब गया। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ? पूरे नुकसान हो गया, घर द्वार हुए, जितना ला सके उतना ही ला सके, मतलब डूबी भूसी के लिए। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से गुजारिश करते हैं, मेरा जो सामान, मेरी जो सामान क्षति हुई है उसकी पूर्ति करे, बाढ़ आपदा प्रबंधन जैसे भी मिलता है उस तरह से मेरी क्षतिपूर्ति करे, जैसे घर का सामान जितना जो भी होता है, ऐसे तो यहाँ खरीद उरद कर खाते हैं, फिर वहाँ जाएंगे तो समस्या ही है। यहाँ पे किस किस चीज़ की परेशानी हो रही है? यहाँ पे शौचालय? शौचालय तो नहीं है, खुले शौच मतलब करते हैं, उसके बाद पानी, एक ही टैंकर आता है, उसके बाद मार उसमें हो जाता। भोजन? भोजन तो अपना वैसे दूध दूध जैसे होता है, जिसको होता है, जैसे रूखा सूखा खाते हैं और बेच उच करके गुजारा। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। चाचा ये बताइए कि आप किस गाँव से आए हैं? चौनिया शंकरपुर। और यहाँ आने से आपको कितना दिन हो गया? लगभग 8 रोज। तो यहाँ पे आपको सुविधा दी जा रही है किसी तरह की? कोई चीज का सुविधा नहीं, जो भी अपना जैसे वर्षा में भी समय काटे हैं 2-3 रोज, उसके बाद अपना प्लास्टिक लाए बना करके किसी तरीके से काट रहे हैं समय। अगले बार तो कल भी गड़ाया था, कल भी देखते हैं, अभी भी नहीं, अभी नहीं है, ये कल था, ये कल में हम लोग अपना चंदा कर करके पैसा इसमें सही किए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है, पानी का भी तकलीफ है। और जैसे वो सब है, तो यहाँ पे अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं दी जा रही? कुछ नहीं मिला है हम लोग को, कुछ भी नहीं दी गई कुछ अब तक। नहीं। तो यहाँ आप लोग के बच्चे भी होंगे जो आप लोग के साथ आए होंगे? बच्चा है, देख लीजिए, बच्चा है, बीवी है, सब अपना मतलब किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? ऐसे जैसे रहे, मतलब वहाँ डूबा, यहाँ आकर के किसी तरह का। क्या क्या नुकसान हुआ इस बाढ़ में आप लोगों को, क्या क्या नुकसान हो गया? नुकसान तो मतलब वहाँ घर द्वार सब भंस गया, और मतलब वहाँ भौंसिया गया, यहाँ आए हैं सुखा में, अब यहाँ से जाएंगे टूटा उटा से। दादी कहाँ से आई हैं आप? शंकरपुर चौनिया दीरा। आपका घर डूब गया? डूब गया, कट गया, गंगा जी में चल गया सब कट कर। आप तो पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ, खाली परिवार के साथ ही आई हैं। उधर देखी ना, परिवार के साथ ही आई हैं। तो आपको अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही? कोई सुविधा नहीं। आपका जो घर डूब गया तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अभी कुछ नहीं, प्रशासन कहाँ आया है? पूरे परिवार के साथ आई हैं आप? हाँ, पूरे परिवार के साथ ही आई हैं। तो पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी तो उसमें भी आपका घर डूब गया होगा? वो साल था घर, हाँ वो साल दिक्कत है। तो फिर क्या आपको पिछले वर्ष दी गई थी सारा हर चीज सुविधा दी गई थी? हाँ, और मवेशियों के चारा का, डॉक्टर का, सब चीज दे रहा है, वो साल लारो दे रहा है, कुट्टी दे रहा है, अभी कुछ नहीं। तो आप लोग के साथ मवेशी भी होंगे जो आप जिनको लेकर के आए होंगे? मवेशी लेकर करते हैं।
अभी नहीं कुछ नहीं, कुछ कुछ मिलवे नहीं करिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिनकी वजह से उनका पूरा घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जब यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ना उनके लिए कोई सहायता दी जा रही है, यहाँ तक कि उनके लिए कोई राहत सामग्री भी नहीं दी जा रही है। हम आए हैं बिशनपुर से। तो आपका घर डूब गया है पूरी तरह से? पूरे डूब गया। आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं? सब पूरा परिवार है यहाँ। ये बच्चा कौन है आपका? ये पोता है। तो क्या आप इस बच्चे के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? ये बच्चे को तो मिल रहा है खाना पीना, मिल रहा है सही से? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, आंगन कुछ भी नहीं दी जा रही है यहाँ पे। तो बहुत सारी राहत सामग्री दी जाती थी सरकार, जिला प्रशासन की तरफ से, अभी तक कुछ भी नहीं दी गई। कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दी गई। शौचालय की कुछ व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पानी की? पानी कहाँ से पीते? कुछ नहीं, पानी तो गांव से लाते हैं, कुछ इधर से लाते हैं। हम लोग घूम के भी आते हैं। देखिए, हालांकि हम इनके दर्द को तो बयान नहीं कर सकते ये किस दर्द में रह रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इनके आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा सके, प्रशासन तक पहुंचा सके, कि इनकी कुछ मदद की जाए। ये लोग कितने मुश्किल में जी रहे हैं यहाँ, कितने मुश्किल में ये लोग जीने को विवश हैं। ये लोग अपने गाँव को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया आपको दिखा दीजिए, यहाँ पर आप पूरे मैदान में, ये जो भागलपुर का हवाई अड्डा है, ये आप देखेंगे कि ये पूरा हवाई अड्डा बाढ़ से, बाढ़ के जो लोग आकर के बसे हुए हैं उनसे भरे हुए हैं। यहाँ नारायणपुर प्रखंड के जो भी हैं व्यक्ति, जितना बिशनपुर का रहने वाला, उन सबको प्लास्टिक दिया गया है। हम लोग शंकरपुर पंचायत के हैं, हम लोगों को नहीं मिला है, जितना इधर जो परिवार इधर देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, एक तरफा क्यों देखा जा रहा है? एक तरफ प्लास्टिक दिया गया है, एक तरफ प्लास्टिक नहीं दिया गया है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम शंकरपुर पंचायत की बात कर रहे हैं, शंकरपुर पंचायत की बात करिए, जहाँ इन लोगों को प्लास्टिक नहीं दिया गया है। और मुखिया जी से बात की है और पंचायत समिति से बात की है, वो सब बोले कि हमसे नहीं हो सकेगा। देखिए, वोट लेने के लिए तो मुखिया जी आ जाते हैं, लेकिन उनसे एक प्लास्टिक नहीं दिया जा रहा है, एक प्लास्टिक वो नहीं दे सकते। वो अपना हाथ खड़ा कर दिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उनसे पूछती नहीं है कि हमसे भी नहीं हो पाएगा, हम भी वोट नहीं दे पाएंगे? अगले साल तो कुछ ना कुछ मदद करते थे, क्योंकि मुखिया जी का क्या नाम हुआ? अशोक मंडल। अशोक मंडल, हाँ। पंचायत समिति है सुमन कुमारी, सुमन रजन। देखिए, इतने मुसीबत में जब मुखिया जी लोग साथ नहीं देते, तो जनता, जनता कैसे उनका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है? ये दिन आप लोग समझिए जरा। समझ तो रहे हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा हो जाता है, इतना मतलब उत्साहित हो जाता है आदमी, यहाँ का हाँ मन मोह लेता है, जो कि उसमें पर उनका मोह क्यों नहीं हो रहा है? वो अभी नहीं, अभी उनका टाइम नहीं है, अभी उनका इलेक्शन नहीं है, टाइम नहीं है। अगर यही इलेक्शन, अगर कोई केंद्र सरकार का या बिहार सरकार का कोई मुखिया का कोई भी इलेक्शन रहता, तो हर आदमी को मतलब ध्यान रहता, जितना भी प्रतिनिधि है सबको ध्यान रहता कि वहाँ मेरा अथी वोटर है, वहाँ जाना है, मतलब वोटर लिस्ट देख करके जाया जाता, मतलब जाता है उसे। मतलब कि सिर्फ चुनाव के टाइम ही मुखिया जी लोग सबका दौरा करते हैं, बाकी जब मुसीबत का टाइम आता है, जब लोग मुसीबत में रहते हैं, तब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, क्या सही कह रहे हैं ना? जी हाँ, बात की है, सबको खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा कि हम खिलाएंगे। देखिए, कर देंगे, उसे कर देंगे। देखिए, इनके लिए कुछ मदद की जाए, जितना हो सके इनके लिए कुछ मदद की जाए। मुखिया जी बोले कि यहाँ वो टिले थी हवाई अड्डा, वो वहाँ मेरा क्षेत्र नहीं है, अभी आ जाओ वहाँ टिल्ला कोठी, अभी जो या तो टी एन बी कॉलेज, वहाँ जो कि रहने में दिक्कत होता है, परेशानियों की कठिनाइयों का, ये जो वर्षा का दिन है, वर्षा में वहाँ पानी हो जाता है, और मतलब एक पर एक ज़्यादा जनसंख्या रहने पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में मवेशियों को, जाल माल को क्षति होता है, आदमी को भी। मवेशी के लिए कोई चारा दिया जा रहा है? अभी नहीं, यहाँ यहाँ नहीं कोई चीज, यानी कि मिला जुला कर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इंसान के लिए तो किया ही नहीं गया है, तो मवेशी तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब आए हुए थे, डॉक्टर साहब सिर्फ क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ के डीएम को देखना चाहिए कि एक जगह से दूसरे जगह हुए बाढ़ पीड़ितों वाले के लिए मवेशियों को चारा, शुद्ध भोजन, पानी की व्यवस्था, ये डीएम साहब को करना चाहिए, यहाँ के जिला को, पर यहाँ के जिला एकदम अस्त व्यस्त अपने में है, सिर्फ सरकारें पलटी मारती है, जनता अस्त व्यस्त है, ये कौन देखेंगे? देखना ना चाहिए मैडम, बिल्कुल देखना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं रही धरातल पे, खाली खाली कागजों पे लिखावट,
धरातल पे कोई चीज नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज को? हम लोग सारी बातें उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ के जो शिष्टाचारी हैं वो शिष्टाचारी भूल के एकदम अस्तित्व ही नहीं है। कौन क्या है नहीं है, कैसे आए नहीं आए, इनकी व्यवस्था आज से 7 दिन पहले से आए हुए हैं क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी के पीने की व्यवस्था, वहाँ से लाया जाता है मवेशियों को चारा, वहाँ से पानी से धो के लाया जाता है, जबकि यहाँ को करना चाहिए ना, सारी कोष में है, कृषि विभाग में इतना है, पशुपालन में इतना है, डॉक्टर की व्यवस्था। देखिए ये तो बहुत बड़ी गलती है प्रशासन की कि उनको आना चाहिए था, इन लोगों के सूद लेने के लिए आना चाहिए था। यहाँ के कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भूल है जो हमारी गतिविधियों को ये सब झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके शरण लिए हुए हैं, 7 दिन हो गया है लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से या फिर कोई अधिकारी इनके सूद लेने अभी तक नहीं आए हैं। इनको 7 दिन हो गए आने से, बहुत बड़ी भूल है, आना चाहिए था प्रशासन को, इनकी मदद करना चाहिए था। यहाँ पे राहत सामग्री कुछ भी नहीं दी जा रही है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे लोग प्लास्टिक भी खुद का लेकर के आए हैं। आप सोचिए जरा कि कैसे ये लोग रहेंगे। कि यहाँ पे हमारे साथ एक गर्भवती महिला है, ठीक है, तो आप सोचिए जरा कि इनके साथ क्या, इनको कैसा फील होता होगा, इन पे क्या गुजरती होगी। चाची आप कहाँ से आई हैं? चवनिया शंकरपुर से। आपका पूरा परिवार भी आया होगा? हाँ सब घर समेत। आपका घर पूरा डूब चुका है? हाँ सब डूब गया जी। तो यहाँ पे आप किस तरह से रह रही हैं? ऐसे आधा पेट खा के रह रही थी। तो आपको तो बहुत सारे चीजों की जरूरत होती होगी? कोई चीज के देखिए इनके लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे एक शिविर लगाना चाहिए था जो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन का खुद क्या, आप क्या चाहती हैं मदद, आप बताइए, आप अपने बताइए। खाए पिए लमरासने आरो के पानी के खाए के तक ही नहीं मैडम, सब देते मंत्री जी तक पहुंचाइए, जल्द से जल्द इसको समस्याओं को दूर करवाइए। पहले देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इनकी स्थिति को देखिए, समझना चाहिए इनकी स्थिति को।